नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है क्राफ्ट ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ हमारे झुमका बेस को कलर करने से, तो इसको अच्छे से आप कलर कर लीजिए। ऑलमोस्ट हमारा जो पेंटिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। ये सूख के रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप ध्यान से देखिए, अब वक्त है जो हमारे स्मॉल ब्लू स्टोन्स हैं, उनको एक एक करके पेस्ट करने का। टूथपिक के एंड पे आप हल्की सी ग्लू लगाइए, इसकी मदद से इन स्टोन्स को उठाना बहुत ही आसान हो जाता है। और हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास लॉरियल्स बीड्स हैं और जंप रिंग्स हैं, अब वक्त है इन दोनों को कनेक्ट करने का। तो देखिए किस तरह से मैंने दोनों को जोड़ा है। इनको जोड़ना बहुत ही आसान है। आप चेन नोज प्लायर की हेल्प से जंप रिंग को खोलिए और इसमें एक लॉरियल बीड डाल दीजिए कुछ इस तरह से, और इसको क्लोज कर दीजिए। इसी तरह से हम सारे जंपिंग और लॉरियल बीड्स को कनेक्ट कर लेंगे। अब हेड पिंस और वाइट पर्ल्स लीजिए और इनको भी अटैच कर दीजिए। कुछ इस तरह से। इसको मैं सूखने के लिए रख देता हूं। और अब यहां पे भी आप ग्लू लगा के जो हमारे पास स्मॉल ब्लू स्टोन्स हैं, उनको भी एक एक करके पेस्ट कर दीजिए। अब हम इसको अच्छे से सूखने के लिए रख देते हैं। ये अच्छे से सूख के रेडी हो चुका है। अब जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा पार्ट है, हम इसको चेन नोज प्लायर की मदद से कट कर देंगे और इसे राउंड नोज प्लायर की मदद से शेप देंगे कुछ इस तरह से। अब जो हमारे पास फ्रेंच हुक है, हम उसको भी इसमें अटैच कर देंगे और लॉक कर देंगे, ताकि जो हमारा फ्रेंच हुक है वो निकले ना। आप देख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब वक्त है जो हमने जंपिंग्स और लॉरियल बीड्स को कनेक्ट किया था, उनको एक एक करके इस पर पेस्ट करने का। तो
तो ग्लू लगाइए और एक एक करके ट्वीजर की मदद से आप इस पे पेस्ट कीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये वाला काम है बहुत पेशेंस का काम है, तो आप कई बार अगर इसे लगाएंगे तो हो सकता है ये नीचे भी गिर जाएं, लेकिन आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए और लगाते रहिए, ये बहुत अच्छे से लगेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे टिपिकल काम यही है, सबसे टिपिकल सेगमेंट यही है, बस आप इसे पेस्ट कीजिए। कई बार आसानी से पेस्ट नहीं होंगे, लेकिन आप कोशिश करते रहिए तो आप बहुत आसानी से भी पेस्ट कर पाएंगे। सभी जंप रिंग्स अच्छे से पेस्ट हो चुके हैं, अब आप इन्हें कहीं टांग दीजिए ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। ये सूख चुका है और सूखने के बाद आप देखिए कैसा लग रहा है। मैं आपको दूसरा पीस भी दिखाना चाहूंगा जो मैंने पहले बनाया था, वो ये रहा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।